तो जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायपुर। हम लोग अभी फुकेट का फीलिंग ले रहे हैं, मिनी फुकेट रिक्शा में बैठ के, ठीक है। ये था मेरा आई थिंक छठा दिन बैक टू बैक शूट का, पूरी रात शूट किया है। सुबह के बच्चों के 6:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं जयपुर। यहाँ से घर से जब निकला था तब मैं गया था डायरेक्ट। ये देखो ये इवेंट, इधर इवेंट फिनिश हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। वाइंड अप पैकअप शॉट्स है। This is, oh my god, look at that. Magic, हमारे ऊपर से जाएगी। Oh my god, मारेगा। ये देखो गया, क्या बात है, हमारे ऊपर से गया सीधा, ठीक है। घर से जब निकला था तब मैं सीधा जयपुर गया था, जयपुर से मैं आया रायपुर, अब रायपुर से वापस जा रहा हूँ जयपुर, जयपुर से आऊंगा उदयपुर, उदयपुर जाऊंगा मसूरी। तो ब्लॉग करने का अब तक टाइम नहीं मिला था, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है वाइव रायपुर में हम लोग थे मे फेयर में, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी। हाँ ये रिक्शा है ना, ये देखो अच्छा वाला रिक्शा है ना, हमको लेके जाता है, मजा आता है, ठीक है। उधर उधर ये विला है इधर के, सब आप देख सकते हो। मॉर्निंग बहुत अच्छा हुआ है सचिन। ये देखो यहाँ पे भी इवेंट था, ये आंगनवाड़ी बोलते हैं इसको, और वो था वाटिका लॉन, ठीक है। और ये हम लोग रिसेप्शन पे पहुंच गए। भाई का नाम रॉकी भाई, रॉकी भाई हमको। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, क्या बात है, क्या बात है। मतलब वैसा तैसे उतना नीचे आए, हे हे, ये इनका तोड़ेगा। पहुंच गए हम लोग बाहर। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट रूम से लेके रिसेप्शन का ट्रिप, जिसमें आप लोग को मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा और बताएगा। थैंक यू भैया छोड़ने के लिए। जयदीप पटेल चैनल लाइक कर देना, आपका व्लॉग आएगा, 1.5 लाख लोग देखेगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी I don't wanna, no I don't wanna, I don't wanna keep playing with you, keep playing with you. I just wanna, yeah I just wanna sustain with you. आपका मूड तब से देख रहा हूँ, बहुत वो है, क्या हो गया? कुछ नहीं है। हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 पे। अच्छा, जो अभी अभी बना है। अच्छा, बट पहले यहाँ KFC सब था, फिर इन्हें पता चला मैं आ रहा हूँ तो सब हटा दिया था। ऐसा गप्पा नहीं मारने का, तो एक बात बता, टर्मिनल 1 पहले नहीं था क्या दिल्ली? हाँ पहले। हाँ तो ये इन्होंने अपग्रेड किया है ना। अच्छा सचिन जी थोड़ा खिसका लीजिए, ये अपग्रेड किया है इतना बड़ा। ये किया है हाँ, कि जो सबवे ये सब था, KFC ये सब, हाँ सब इन्होंने हटा के शूटिंग एरिया बढ़ा दिया बस। हाँ तो बस यहाँ से ऊपर से सब आए और इधर बैठे और ये, ठीक है, डाउनग्रेड हो गया है थोड़ा, है ना। इन्हें पैसा नहीं चाहिए हमारा। अच्छा, ये कह रहे हैं आप लेके जाओ। और आप अभी दिल्ली में मास्क मैंडेटरी हो गया, तो आप कब मास्क पहनोगे गोविंद जी? सोचे जब 500 रुपए लगेगा, सोचे 500 रुपए देगा, 500 रुपए फाइन लगेगा तब देगा। तो यहाँ से हमारा फ्लाइट है जयपुर का, होल्ड था 15-20 मिनट का, आधे घंटे का। मेरा तो फ्रेश हो गया है, अभी देखते हैं उधर जाके मचाते दिखाएंगे क्या हो रहा है क्या, ठीक है। लीला पैलेस के मोहन महल के अंदर, यहाँ पे शूट करने के लिए एडवांस बुक करना पड़ता है, हमने तो कर दिया था। ये भी आप देख सकते हैं बेडरूम है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सेटअप किया रहेगा कपल को डिनर के लिए। यहाँ पे भी सेटअप है और वहाँ पे सेंटर पे आप फ्रेम बना सकते हैं मस्त एकदम प्री वेडिंग वेडिंग शूट के लिए। और अच्छी बात हमको ये लगती है कि ये जो कैंडल्स है वो मतलब 3 या 4 घंटे तक चलती रहती है, एंड वी गेट ऑल द यू नो टेक्सचर्स ऑफ राजस्थान वाइब। लाइट बंद कर दे भाई एक बार, ये देखो लाइट बंद करते ही आपको ऐसा व्यू मिलेगा, सो इट्स अ लो लाइट सिचुएशन, बहुत अच्छा आता है। और हमारे गोविंद जी है वो बहुत मतलब इससे सारा काम रिफ्लेक्शन पे ही होता है। हाँ रिफ्लेक्शन पे होता है, और LED और हाको लाइट मार के जरूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड। और सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है छोटे छोटे फाउंटेन, और इसमें पूरा ऐसे राउंड एंगल, हाँ एंगल यहाँ से ये बनता है, हाँ यहाँ से, और कपल सामने रहेगा, पीछे से कटलाइट आएगी, वो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग तब तक काम करते रहते हैं। आप भी कर लोगे ना, तब फिर कॉपी मार लेंगे सब लोग। बट ये है मजा आता है बस, दिस इज हम कॉपीराइट का इशू बना के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आपके खिलाफ। हाँ बता रहे थे, ये मतलब नहीं है, सीरियस ले जाओ। तो दिस इज मोहन महल ऑफ लीला पैलेस, ठीक है।
रियली रियली गुड। बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ये ऑल एडवांस बुकिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फ्रेम्स हैं यहाँ पे और शीशा वीशा सब, मतलब ये जो दीवार है बहुत पुरानी है ऐसा हमको बताया था। दिस इज हाँ और यहाँ पे डिनर सर्व होता है, सिल्वर स्पून प्लेट और ये इसमें आप देख सकते हो बहुत, मतलब इट्स ऑल इन ऑल लग्जरी स्टाइल का डिनर। आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो। वैम्पायर हो तो यहाँ मत आना क्योंकि सिल्वर स्पून भी है यहाँ, सब कुछ सिल्वर का है। हाँ ठीक है, ऑल इन ऑल कपल लोग के लिए बेस्ट प्लेस है ये, प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट एरिया एंड रियली गुड एम्बियंस। और दिस इज द मोहन महल ऑफ लीला पालास ब्रदर। ये है हमारे सचिन जी, दिन रात इधर बैठ के एडिट करके मेहनत करते रहते हैं। और ये है हमारा रूम, देख लीजिए। और यहाँ से है ना ऐसे ये डेकोर रेडी हो रहा है लगन का। अभी देर है, चिल मार रहे हैं, एप्पल वेप्पल खा जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्या ही बताएं। हाँ ये एम्पर है, वो खाओ यार मने भूख लगी। चलो एम्पर में मखाना खा ली, मखाना ये देते शादियों में सबको, कोकोनट। चलो खाते हैं, केक खाना है, केक खाओ। तो जी रात के बच्चों के 1:15 और ये है लीला पैलेस का लास्ट डे। आज हमारा शादी खत्म हो गई है पर यहाँ पे थोड़ी आफ्टर पार्टी होने वाली है, थोड़ा बड़ा बचा हुआ है सिंगिंग विंगिंग। और हमारे गोविंद जी यहाँ पे दह दिल से हमारा शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि शादी खत्म, अभी कल प्री वेडिंग है उदयपुर। कल तो रेस्ट है, मतलब कल उदयपुर जाके रेस्ट है। हाँ मैं भी सोएगा भाई, ठीक है। और हमारे सब धुरंधर लोग यहाँ पे बैठ के अभी मचाएंगे, थोड़ी देर बातें बातें करेंगे क्योंकि ये जो टाइम होता है ना वो हमारा बेस्ट टाइम होता है। खत्म होने के बाद थोड़ा 15-20 मिनट बैठ के आराम आराम करके बातें चीतें करके थोड़ा शूट करके फिर सोने का मजा आता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे कल सुबह उदयपुर, तो आज रात का अभी खत्म है, सुबह निकलेंगे उदयपुर जाके फिर रेस्ट करेंगे, फिर परसों प्री वेडिंग है और फिर बता देंगे मजा करवाएंगे। और हमारा भाई इधर फोटो खींच के आया होगा किसके साथ, ये देखो। ओ मजे, हाय मजे। नहीं मैं भी नहीं खींचना चाहता, बस ठीक है अभी क्या करे, अभी हो गया सो हो गया अभी है। तीन पंडित आपस में भिड़ रहे यार, गाने वाले आ रहे, एक लड़की साइड का पंडित है, एक लड़के साइड का पंडित, तीनों भिड़ रहे हैं और पूरी शादी इसी में निकल गई। हम सोचने में रह गए कौन गा रहा है। हाँ रिश्ता हो तो बताइए, मोविन जी को शादी करनी है, मोविन जी कब शादी करोगे? बिना खुशबू का गुलाब है। अच्छा सुबह के बज चुके हैं 6 और हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर जाने के लिए बाय कार। यहाँ से होगा आई थिंक 6 या 7 घंटे का रास्ता। ये है हमारी गाड़ी, सामान सब सेट हो चुका है, सब लोग बैठ रहे हैं एंड सोए तो नहीं है गाड़ी में, देखते हैं अभी क्या नींद होती है क्या नहीं है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एक बार विजिट कीजिएगा लीला पैलेस। तो जी दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर रामाड़ा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द स्टे फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 डेज, आई एम नॉट श्योर। प्री वेडिंग वेडिंग है तो थोड़ा कुछ करेंगे, मौज करेंगे और करवाएंगे। आज तो फ्री है हम लोग वैसे। ओह वाओ, मानसून पैलेस तो इधर से दिखता है यार, वहाँ पे भी हमने बहुत शूट किया हुआ है, वेरी नियर बाय मानसून पैलेस। वहाँ पे शूट किया है कभी? तुम तो आए नहीं। ठीक है, सो दिस इज डे नंबर 11, 10 और 11, गिनती तो भूल ही चुका हूँ मैं वैसे, बट एनी वे लेट्स सी अभी व्यू कैसा मिलता है रूम का, ठीक है। शाम के बज चुके हैं, आई डोंट नो कितने, सनसेट होने वाले हैं और मैं इसको सोने नहीं दे रहा हूँ बिकॉज रात को नींद नहीं आएगी। चल बाहर निकलते आजा।
आजा यार आजा, चप्पल पहन ले चल। खोल दे आँख, चल यार चल चल चल, आजा चप्पल चप्पल पहन ले चल। सनसेट चप्पल तेरे हमारे रूम में पड़े ऐसे ही चल। ब्यूटिफुल विजुअल्स ऑफ द सनसेट कलर्स। मैंने सोचा कि अभी अगर मैं सोऊंगा तो रात को नहीं सो पाऊंगा। 7 बजने वाले हैं, सनसेट हो रहा है। ये है इधर का प्रॉपर्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्टेयरकेस है यहाँ पे, थोड़ा रूम्स का एरिया है, ये पूरे रूम्स है। और यहाँ से आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गार्डन एरिया है। गार्डन एरिया के बाद आपको आई थिंक यहाँ पे और एक व्यू मिलेगा जो बहुत अच्छा बैकड्रॉप है। वहाँ पे ऊपर मॉनसून पैलेस है, जहाँ पे पहले शूट होता था, अभी होता नहीं है, मतलब अभी उन लोगों ने बंद कर दिया शूट कराना। बट लुक एट दिस, दिस इज़ अ रियली रियली गुड प्रॉपर्टी। तो जी ये हमारा पहली बार है रामाडा में और मुझे तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लगा। इट्स टोटली अ विंटेज टाइप प्रॉपर्टी, पूरा हेरिटेज फील दे रहा है। इसमें जो दीवारें हैं, इसके जो स्टेयर्स है, ये जो गार्डन एरिया है, सिटिंग एरिया, एंड ऑफकोर्स द शो स्टॉपर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अ पूल विच इज़ रियली स्पेक्टेक्युलर। आई थिंक ऑल एंड ऑल इट इज़ अ रियली गुड प्रॉपर्टी। गोविंद जी, नींद से उठ कर आपको कैसा लगा बताइए? कौन से बर्थ के एनिमी का वो ले रहे हो आप मुझसे? कौन से बर्थ के एनिमी? पता नहीं क्या बोल रहा है। देख मेरे को भी आंख लग गई थी पर मैं सोया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अभी सोता ना तो पूरी रात नहीं सो पाता, और कल सुबह प्री वेडिंग है बहुत जल्दी जाके। तो द थिंग इज, हमको सुबह 5:30 बजे पहुंचने का है उदय विलास पैलेस में। तो उदय विलास पैलेस में प्रॉपर्टी का शूट करना है और उधर प्री वेडिंग भी करना है। तो हमने सोचा अगर अभी हम सो जाएंगे तो बाद में जग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो इधर ही इसी के साथ ऐड करते हैं और कंटिन्यू करेंगे उदय विलास से। तो बने रहिए, मज़ा करवाएंगे। कुछ कमेंट हो तो करिए, आपको और कुछ जानकारी लेनी है तो अब मैं दे सकता हूँ। यू नो उदयपुर में है 2-3 दिन के लिए, तो मचाएंगे। इधर से मसूरी जाएंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। और आज के लिए बस इतना ही। उठेगा नहीं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और मचाते रहो। आई विल सी यू इन अदर वीडियो। टिल देन जस्ट एंजॉय दिस प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल।